हमने जितने सोर्स, अभी दो सोर्स लिए YDLC में, ये रूल था कि दो सोर्सेस क्या होने चाहिए, कोहरेंट। इन कोहरेंट सोर्स का क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर आ जाए तो क्या करना है बता देता हूँ। तो अगर सोर्स कोहरेंट है ना, ये हमने डिस्कस किया, अगर आपका सोर्स कोहरेंट है तो आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, 4I0 cos square 5/2, यही फॉर्मूला था, ठीक है यहाँ तक। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 A² इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक, ये फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल है जब सोर्स कोहरेंट है। इन कोहरेंट की प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो कोहरेंट के अंदर क्या था कि अगर आपके पास दो सोर्सेज हैं, है ना, ये पॉइंट पी है, आपके पास दो सोर्सेज हैं, इन दो सोर्सेज में आइडेंटिकल वेव निकलेंगी यहाँ से, मतलब कि अगर यहाँ पर क्रेस्ट है तो क्रेस्ट ही निकलेगा, ट्रफ है तो ट्रफ ही निकलेगा, इन कोहरेंट की गारंटी नहीं है। मुझे नहीं पता अगर ये क्रेस्ट निकलेगा तो ये पता नहीं क्रेस्ट निकालेगा ट्रफ निकालेगा, पता नहीं क्या निकाल देगा, तो मेरे को नहीं पता यहाँ पर क्या होगा। तो पी पॉइंट पर कोहरेंट के अंदर फेज डिफरेंस क्या आता है, इसमें कॉन्स्टेंट आता है, लेकिन इसमें कुछ भी निकाल देगा तो कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। तो इन कोहरेंट के अंदर, ये तो मैंने कोहरेंट का एग्जाम्पल लिया, अब इन कोहरेंट के अंदर अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का 4A² इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, प्रॉब्लम यह है कि यहां पर फाइव कॉन्स्टेंट है ही नहीं, किसी भी पॉइंट के लिए फाइव कॉन्स्टेंट, इसमें कॉन्स्टेंट है दो वेव्स के लिए, अगर कोई पी पॉइंट है पार्ट डिफरेंस कॉन्स्टेंट ही रहेगा, फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें रहेगा नहीं, इसमें तो फाइव कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ली जाती है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 5/2 क्या होती है, हाफ। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू 4 A² यानी कि A² + A² यानी कि I1 + I2। तो ये फॉर्मूला नोट करो, I1 + I2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 + I2 लगा देते हैं, जबकि इसमें नहीं लगता, इसमें यही लगता है, इसमें ये लगता है, ठीक है यहाँ तक, या मैक्सिमम ये लगता है बस। तो इन कोहरेंट में अगर दो सोर्स हैं तो आंसर I1 + I2 से आएगा, ठीक है, तो यही A² और B A² + A² से आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक डिफरेंस क्या है।